हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजितेश चक्रवर्ती। आज हम जा रहा है दिल्ली, और जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो ये वंदे भारत का टिकट बुक किया है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से चल के दिल्ली कैंट तक जाती है। ट्रेन नंबर 20977 ये अजमेर में सुबह 6 बजे छोड़ता है और जयपुर में आता है सुबह 8 बजे। 8 बजे के बाद ये दिल्ली कैंट पहुँचता है 11:30 बजे तक पहुँचा देता है। इसमें टिकट इजीली अवेलेबल मिल जाता है। ये इंडिया में सेमी हाई स्पीड रेलवे में आता है। ये इसका गतिवेग 160 तक जाता है। अजमेर छोड़ने के बाद इसका पहला स्टॉपेज जयपुर में होता है। जयपुर के बाद अलवर, उसके बाद गुरुग्राम, उसके बाद दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट पहुंचता है 11:30 बजे तक सुबह। फिर इसी ट्रेन को दिल्ली कैंट से वापस अजमेर के लिए रवाना होता है दोपहर। इस स्टेट में जर्नी करने के लिए बहुत सारा विदेशी भी पसंद करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेंटेनेंस किया जाता है इस ट्रेन का। अभी हमारा ट्रेन आ चुका है। हम जयपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हैं, और अभी हम ट्रेन में चढ़ेंगे। और धीरे धीरे ट्रेन गेट खुल गया और आदमी चढ़ने लगे। इस ट्रेन में गेट जो है ऑटोमेटिक खुलता है और ऑटोमेटिक डोर क्लोजर सेंसर लगा हुआ है। आप सामने जाते ही इसका गेट ओपन हो जाता है। अभी आदमी चल रहा है और सामान अपना अपना ऊपर में रख रहा है। ये है चेयर कार का एसी चेयर कार। मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास जो है, अभी हम पहुंच गया अपना सीट में, बैठ गया। और ये जो स्विच है, इसको दबाने से सीट थोड़ा सा पुश बैक है, ये खुल जाता है और हम बैठ जाते हैं इसमें। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और सब कुछ फैसिलिटीज है। अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पुराना चाय का कुछ गंदगी पड़ा था, तो हमने कंप्लेन किया तो तुरंत के तुरंत आदमी आ गया। इसमें कॉपरिंग करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आदमी को, किसी को, कोई स्टाफ को बोल दीजिए कि ये साफ़ करना है, तो तुरंत आदमी आ जाता है और साफ कर देता है। ये जो रेल का जो केयर टेकर लोग है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और टीटी लोग भी है इसमें, बहुत सारा स्टाफ भी रहता है रेलवे का, तो आप किसी भी ज़रूरत पड़े तो आप बोल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ट्रेन है। ट्रेन में चढ़ते ही पानी का बोतल आ गया, सबको एक एक बोतल करके दिया जा रहा है। आरसीटीसी का जो वाटर बोतल सप्लाई करता है, वही वाला सप्लाई होता है यहाँ पे। वंदे भारत में भी ऑप्शन दिया गया है, आप अगर चाहे तो फूड ऑप्शन नहीं ले सकते हो, तो उसमें फूड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ट्रेन छोड़ने के बाद कुछ ही टाइम में टीटी आ गया और टीटी सबका टिकट एग्जाम करने लगा। ये ट्रेन का जो फेयर है, ये थोड़ा सा महंगा है बाकी ट्रेन का अगर कंपेयर करेंगे। जयपुर से दिल्ली का जो डबल डेकर का भाड़ा होता है, वो 500 रुपये का होता है। शताब्दी का भी ऐसे ही कुछ, लगभग ऐसे ही होता है। तो थोड़ा सा महंगा है ये ट्रेन बाकी और ट्रेनों से, लेकिन कंफर्टेबल भी है। ये सीट का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और इसमें जो चार्जर लगा हुआ है, कुर्सी का नीचे में चार्जर लगा हुआ है, ऊपर में रीडिंग लाइट भी दिया गया है, उसके ऊपर रैक है, आप अपना भारी सामान सब रख सकते हो। फिर आपका ये सब, इसका बाहर का नज़ारा तो सही में बहुत सुंदर है। अब ग्लास जो है बहुत क्लियर है एकदम, तो अब देखने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी ट्रेनों में क्या होता है, उतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं होता है, तो शीशा उतना साफ नहीं रहता है, कहीं कंप्लेन आता है इस चीज़ का। लेकिन जो इस ट्रेन में क्या है, एकदम साफ़ सफाई बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें रेलवे स्टाफ भी बहुत एक्टिव रहता है, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो तुरंत के तुरंत आदमी। देखिए, ये जो आदमी सब जा रहा है, ये सब रेलवे का स्टाफ ही है, और इसमें जो वेंडर लगा हुआ है, वो उसका आदमी है। ये हमेशा ये सब सारे जो बॉगीज है इसमें घूमते रहता है, और कुछ थोड़ा सा भी कुछ चीज़ अगर नज़र में आएगा तो इसको तुरंत के तुरंत साफ़ कर देता है। अभी ये खाने का आ गया, कम से कम आधा घंटा के ट्रेन छोड़ने के बाद, आधा घंटे के बाद ये खाना आ गया। हमने नॉनवेज का बुकिंग किया है, तो ये नॉनवेज आइटम लेके आएगा। बाकी ये सीट के पीछे अभी दे रहा है। हम लोग सीट में जब पहुंचा तो देखा यहाँ पे न्यूज़पेपर ऑलरेडी रखा हुआ था, और बाद में जब ट्रेन, जब हम लोग दिल्ली कैंट में पहुंचे, तो न्यूज़पेपर सबसे लिया गया है, क्योंकि यही चीज़ फिर आपको दोबारा दिया, जो पैसेंजर आएगा दिल्ली कैंट से उसको भी दिया जाएगा। नॉन वेज है, ये नॉन वेज का मील है, हम लोगों को दिया गया है।
अभी इसका बारे में हम डिटेल्स आपको दिखाएंगे क्या क्या है इसमें। स्नैक्स है, एक एक ब्रेड है, एक जूस है, बटर है, थोड़ा छोटा सा बटर है, एक हैंड सैनिटाइज़र भी है, और इसमें एक जो हम लोग नॉन वेज किया था नॉन वेज के लिए, इसमें नॉन वेज वालों के लिए एक ऑमलेट दिया गया है, और सॉस का पैकेट और एक रेडीमेड टी ये दिया गया है। जिसने वेज ऑर्डर किया था तो उसने उसके लिए वेज काटलेट ये सब दिया गया है। अब बाकी ट्रेन में भी बुक कर सकते हो, उसका अलग से पे करना पड़ेगा। और ये जो है अलग से हम लोग जो जब टिकट बुक किए थे 170 रुपीज़ ऑलरेडी वेज नॉन वेज जो भी खाने के लिए इसको लिया गया था। ये हैंड सैनिटाइज़र पैकेट हम इसको खोल के हैंड सैनिटाइज से हाथ को थोड़ा साफ कर लेंगे और बाकी आपको डिटेल्स फिर से दिखाऊंगा। इसमें है ब्रेड, दो ब्रेड बड़ा साइज का ब्राउन ब्रेड रखा हुआ है, ये तो दिखाता हूँ, ये देखिए ब्राउन ब्रेड है दोनों। अभी हम जो ऑमलेट है एक ऑमलेट उसको दिखा, डबल अंडे का एक ऑमलेट है, साथ में प्याज मसाला सब कुछ दिया हुआ है। इसके ऊपर स्टैम्प भी लगा हुआ है जो उसी डेट का बना हुआ है ये है। और इसमें जो है स्नैक्स है, थोड़ा निमकी टाइप का है और देख लीजिए इसमें भी स्टैम्प लगा हुआ है ये कौन सा डेट में इसका मैन्युफैक्चर किया गया है, ये भी अच्छा टेस्टी है। साथ में ये आपको पूरा आइटम देखने में मिल रहा है। साथ में दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, इस ट्रेन में खाना लेकिन महंगा है, जो दे रहा है वो तो सही है लेकिन क्वालिटी भी सही है लेकिन थोड़ा महंगा तो है खाने। और अभी ये आ रहा है जो है चाय का गर्म पानी, अब चाय कॉफ़ी कुछ भी आप पी सकते हैं इसी से, कॉफ़ी आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, इनका जो ड्रेस है देखिए इसके ऊपर में पगड़ी बांधा हुआ है आदमी, क्योंकि ये इनका जो लोकल कल्चर है वो उनको प्रोजेक्ट करता है, तो ये अच्छी बात है रेलवे का। और अभी ट्रेन चलते चलते अभी ये अलवर जंक्शन में आगे पहुंच गया हम लोग। ये देखिए अलवर जंक्शन का भी कितना अच्छा आर्किटेक्चर करके रखा है। अभी ये अलवर जंक्शन में रुकने वाला है ट्रेन, इसमें भी काफ़ी सारा पैसेंजर चढ़ेगा क्योंकि ये भी बड़ा जंक्शन है राजस्थान का। फिर अलवर छोड़ के ट्रेन आगे चलने लगा और बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा है। और सही में ट्रेन का जो ये मेंटेनेंस है इसका तो तारीफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा क्लीन शीशा है तो हम इसको देख पा रहा है एकदम, आपको भी दिखा पा रहा हूँ एकदम बिल्कुल साफ करके दिखाई दे रहा है, एकदम क्लीन इसके क्लीन व्यू है एकदम। देखिए सामने पहाड़ है और रेल का नज़ारा तो बहुत अच्छा है। बाकी हम लोग खाना तो कंप्लीट कर लिया, अभी कुछ ही देर के बाद गुरुग्राम रेलवे स्टेशन आने वाला है। अभी हम दिखाएंगे इसका डोर क्लोज, देखिए देखिए कितना अच्छा, सामने जाते ही इसका डोर ओपन हो गया और हम बाहर जाने के बाद ही इसको फिर क्लोज भी हो जाएगा। कितना अच्छा व्यू है इसका। अभी हम बाथरूम में जा रहा है, देखिए इसका बाथरूम का ओपनिंग है, ये भी सब ऑटोमेटिक है, ये जो ग्रीन वाला बटन है इसको दबाने से ऑटोमेटिक डोर क्लोज ओपन हो गया। अभी देखिए इसके अंदर टॉयलेट है, हैंडीकैप का भी है, बेसिन है, आपका अंदर में एक खड़ा वाला बटन है इसको दबाने से ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो क्लिप है इसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि यही चीज़ वंदे भारत में बहुत सारे आदमी गलती करते हैं नक्सल लड़कियों ने, तो ये क्या होता है फिर से डोर ओपन हो जाता है। और ये जो है ये बैग है ऑटोमेटिक एकदम फ्लाइट के तरह दिया गया है एकदम, बाकी चीज़ तो बहुत अच्छा है एकदम। हैंडीकैप का भी ऑप्शन है और इसमें जो है ये हीटर है हाथ सुखाने का, ये सब बगल में बेसिन है, शीशा है, मिरर है और डिस्पेंसर भी है, जो सोप डिस्पेंसर जो है वो भी है। बाथरूम में शायद इसने 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया होगा, बहुत अच्छा मेंटेनेंस भी है इसका। और ये देखिए अभी इनको भी दिखाई दे रहा है और रेलवे का जो इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है बाथरूम ओपनिंग का ये भी सब दिया हुआ है। ये जो है देखिए ये लाल जो स्विच चालू हो गया ना, तो इसका मतलब है आदमी अंदर में है। ये वंदे भारत का और एक टाइप का है, वो ऑटोमेटिक डोर क्लोज नहीं है लेकिन बाकी रेलवे जो ट्रेन का जो होता है उसी टाइप का है, लेकिन बहुत क्लीन साफ सफाई करके रखा है। और इसमें क्या है ऑटोमेटिक जो ये देखिए इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, आपको कोई डरने का जरूरत नहीं है, इसमें आपको नेक्स्ट स्टेशन जब आएगा अनाउंसमेंट किया जाएगा। अभी हम लोग आ रहा है ये एग्जीक्यूटिव कोच,
जो है इसमें देखिए, ये क्या है, ये राउंडेबल है, ये घूम जाता है। आप अपना शीशा के मिरर के तरफ आप करके इसको देख सकते हो। और ये जो रेल सभी वंदे भारत ट्रेन में जो है रेड कलर का जो है एग्जीक्यूटिव सीट होता है, और जो ब्लू वाला सीट जो होता है वो प्लेन चेयर का होता है, मतलब एसी वाला चेयर पर। अभी ये जो है इसमें खाना का रखा हुआ है गर्म रखने का। अभी इसका सीट अरेंजमेंट देखिए, ये कितना अच्छा व्यू है इसका, बैठने में बहुत आरामदायक है ये। ये तो और भी महंगा सीट है। दिल्ली से जयपुर टू दिल्ली इसका भाड़ा है 1500 रुपये, और प्लेन जो नॉर्मल जो चेयर कार है उसका भाड़ा है 800 रुपये। बाकी आईआरसीटीसी का जो चार्जेस वगैरह लगता है वो ऐड होता है। अभी हम लोग दिल्ली कैंट पहुंच गया, और देखिए ये दिल्ली कैंट में ट्रेन खड़ा हो गया, कितना साफ़ सफाई है।